कब आएगी। जम्मू कश्मीर में रिक्रूटमेंट्स काफ़ी बच्चे परेशान हैं जेकेबी की भर्ती को लेकर, तो आप लोगों को बता दें कि थोड़ा बहुत आईडिया आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। डिफेंस पॉइंट ये चैनल में विजिट करने के लिए आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस में काफ़ी बड़ी फैसिलिटीज़ हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरह एक लंबी नौकरी है, 60 साल तक सर्विस है, आप लोग इंजॉय कर सकते हैं पूरी जॉब, बट इसमें नौकरी लगना बहुत मुश्किल रहता है। बट फिर भी जहां पर अगर बड़ी मात्रा में वैकेंसी निकलती है तो आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी। बाकी आपको बता दें कि लोकसभा में जिस तरह से जहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस की कमी बताई गई है, उसके मद्देनज़र आप लोगों के लिए जहाँ पर बड़ा मौका देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। आप लोगों को बता दें कि अक्टूबर नवंबर में जेकेबी की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि 2 पार्ट में जो भर्ती हो सकती है, फर्स्ट पार्ट में 6 से 7 हज़ार वैकेंसी और सेकंड पार्ट में भी आपकी 6 से 7 हज़ार वैकेंसी, लगभग 11 हज़ार वैकेंट पोस्टें जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस में हैं डिफरेंट विंग में। विंग वन की बात करें तो सबसे पहले आर्मर्ड, विंग टू की बात करें तो एग्जीक्यूटिव, विंग थ्री की बात करें तो SDRF, विंग फोर की बात करें तो फायरमैन, विंग फाइव की बात करें तो रेलवे RP। आप लोगों का जे GRP, तो आप लोगों को बता दें कि इन सभी डिपार्टमेंट्स में जो वैकेंट वैकेंसी जूझ रही है, नफे की काफ़ी ज़्यादा कमी है। आप लोगों को बता दें कि अमरनाथ यात्रा ड्यूटी रहता है, ऑलरेडी यहाँ बाहर से फोर्सेस वगैरह मंगानी पड़ती है हर बार, बट आप लोगों को बता दें कि आने वाले समय में आपको बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है। जिस तरह से 2017 के बाद आपको बता दें कि 17 के बाद 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 यानी कि आप लोगों का लगभग 7 से 8 साल होने वाले हैं, तो 7 से 8 साल में काफ़ी ज़्यादा रिटायरमेंट भी हुई है, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी। सिंपल 10वीं पास कोई भी बच्चा जम्मू कश्मीर पुलिस का फॉर्म लगा सकता है। 5 फुट 6 इंच हाइट होगी, 18 साल से लेकर 28 साल तक उम्र होगी, तो आप लोग ईजिली जो है वो फॉर्म लगा पाएंगे। पे स्केल की बात करें, तमाम बच्चे इसमें पे स्केल पूछते हैं, तो इसमें ट्रेनिंग में ही आप लोगों को लगभग 30 हज़ार में लास्ट स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आप लोगों की पे स्केल बढ़ती जाती है, 35 हज़ार, 40, 42, 45 से ऊपर ही जाते हैं 1.5-2-3 साल में, तो पे स्केल बहुत बढ़िया है। आपको बता दें कि इस समय जो भी सब इंस्पेक्टर हैं, पुराने सब इंस्पेक्टर जो लगे हुए हैं, 1 लाख के आसपास पे स्केल जो है वो ले रहे हैं, तो बड़ी मात्रा में आप लोगों को बेनिफिट्स मिलते हैं और भी मेडिकल फैसिलिटी के साथ साथ आप लोगों को फैमिली क्वार्टर सिस्टम्स भी मिलता है, इसलिए आप लोगों के पास बहुत ही बढ़िया रहता है। अगर आप आर्मड में हो जाते हैं तो 6 महीने ड्यूटी आप लोगों से नगर, 6 महीने जम्मू में रहती है, बाकी अगर एग्जीक्यूटिव में भर्ती हो जाते हैं तो आप लोगों को पूरी उम्र अपने डिस्ट्रिक्ट में ही करनी पड़ती है। बाकी आप लोगों को बता दें कि ट्रैफिक सिक्योरिटी SDRF आप लोगों के ये विंग काफ़ी अलग रहते हैं, बट आपको बता दें कि फायरमैन की भी काफ़ी वैकेंट वैकेंसी है। 2012 के बाद फायरमैन और 2012 के बाद SDRF में भर्ती नहीं हुई है, जो दोनों बहुत ही बढ़िया विंग है जम्मू कश्मीर पुलिस के, जिसमें काफ़ी मात्रा में वैकेंसी पिछले कई सालों से जूझ रही है। तो हमारा काम आप लोगों को अपडेट करना है, जानकारी देना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग भी चाहते हैं जम्मू कश्मीर में भर्ती होना या नहीं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस की भर्ती अग्निवीर वाले भी देखेंगे, बट अग्निवीर वाले अभी फर्स्ट बैच चल रहा है, तो अग्निवीर की बात करें तो अग्निवीर वालों की 4 साल सर्विस है, उसके बाद उन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस में कोटा मिलेगा 10%। बट आपको बता दें कि JKP में ऑलरेडी कोटे वाले काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसमें SPO, होमगार्ड और 15% कोटा इस बार लड़कियों को मिलेगा, तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहेगा। एक बार फॉर्म तो लगे, फिलहाल आप लोग कोचिंग सेंटरों में जाना स्टार्ट कर देना, अभी नहीं, अभी रुक जाओ, गवर्नमेंट का कोई पता नहीं। बट आपको बता दें कि नवंबर महीने में जो इलेक्शन करवाने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से इलेक्शन से पहले ये फॉर्म भी लगाएंगे।